bye mm -hmm. ही देर में खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का महा मुकाबला यह होगी दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन चेन्नई में लौट आया सभी बल्लेबाजों का बाप स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आई पी का तीसवा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाने वाला है इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन क्या होने वाली है टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है इस मुकाबले से जुड़ी हर जानकारी आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चेन्नई या मुंबई के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र एक लाइक का है दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आई पी के दूसरे चरण की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है जहां दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है वहीं दोस्तों यह मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है जो कि भारतीय समय अनुसार शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा वहीं दोस्तों इस मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा इसके अलावा मोबाइल पर हॉट एप्लीकेशन के द्वारा इस मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकते हो ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से मुंबई और चेन्नई में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है आप उसका जवाब कमेंट करके जरूर दे सकते हैं वहीं दोस्तों अब तक मुंबई और चेन्नई की टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों ही टीमों ने अब तक आई के इतिहास में आमने सामने इकतीस मुकाबले खेले हैं जिसमें से इकतीस मुकाबलों में से चेन्नई की टीम ने बारह मुकाबले जीते हैं तो वहीं पर उन्नीस बार मुंबई की टीम ने जीत हासिल की है इसी आई 2021 के पहले चरण में इन दोनों ही टीमों का आमना सामना एक बार पहले भी हो चुका है तब मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार जीत हासिल की थी ऐसे में आज की इस मैच में एक बार फिर से मुंबई की टीम का पलडा भारी नजर आता है अब तक आईपीएल 2021 के पॉइंट्स टेबल में इन दोनों ही टीमों का स्थान देखा जाए तो चेन्नई की टीम ने अब तक इस सीजन में सात मुकाबले खेले हैं जिसमें से चेन्नई की टीम को पांच मुकाबलों में जीत हासिल हुई है तो इसके अलावा दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में चेन्नई की टीम दस अंकों के साथ नंबर दो के स्थान पर मौजूद है तो वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई की टीम ने सात मुकाबले खेले हैं जिसमें से चार मुकाबलों में जीत मिली है तो वहीं पर तीन मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है पॉइंट टेबल में मुंबई की टीम आठ अंकों के साथ नंबर चार पर मौजूद है दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में पहले मुकाबले में करन और ड्वेन प्लेइंग के लिए शायद ही मौजूद हो पाएंगे यह तीनों खिलाड़ी कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रहेंगे इसी वजह से मुंबई के खिलाफ मैच में चेन्नई को इन तीन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में खेलना बहुत ही ज्यादा मतलब की मुश्किल वाली बात है तो वहीं पर दूसरी तरफ न पोलार्ड भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन रहने वाले हैं और इसी वजह से केरन पोलार्ड भी मुंबई इंडियंस की टीम के लिए पहले मैच में प्लेइंग इलेवन के लिए शायद ही मौजूद हो पाएंगे ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों के दिग्गज खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में अगर नहीं खेलेंगे तो कुछ अन्य खिलाड़ियों को इनके स्थान पर खेलने का मौका मिल सकता है जहां दोस्तों फाफ डूपिस के स्थान पर रॉबिन उत्थापा को ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है अब तक रॉबिन उत्थापा को चेन्नई की तरफ से डेब्यू करने का मौका नहीं मिल सका है लेकिन रॉबिन उत्थापा के पास मौके का भरपूर फायदा उठाने का सुनहरा अवसर है हालांकि ने अब तक आई में चेन्नई की तरफ से सबसे अधिक तीन रन बना चुके हैं इसके अलावा चेन्नई की टीम में सैम करन और ड्वेन ब्राओ के न खेलने की वजह से ऑलराउंडर को में मौका मिल सकता है तो वहीं पर दूसरी तरफ मुंबई की टीम में केरन पोलार्ड खेलते हुए नजर नहीं आए तो इसके अलावा इनके स्थान पर न्यूजीलैंड के तूफानी ऑलराउंडर जेम्स निशम को प्लेंग में मौका दिया जा सकता है जी हाँ दोस्तों अब से कुछ ही देर में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच महामुकाबला शुरू होने वाला है दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है अब तक आई पी के, के दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है जहाँ इस फेज में इकतीस मुकाबले खेले जाने वाले है। साथ हैं साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दी कि आज का यह रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत सकती है उनका जीत का प्रतिशत ज्यादा है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग क्या हो सकती है और टीम में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाजों की सलामी बल्लेबाजों की मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव ईशान किशन और जेम्स नीशम खेलते हुए नजर आ सकते हैं तो इसी के साथ चेन्नई के मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो अंबाती रायडू सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे वहीं दोस्तों बात करते हैं चेन्नई के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की दोस्तों यहां पर मोइन अली रविंदर जडेजा और मिचेल मिचिलर खेलते हुए नजर आ सकते हैं यानी कि चेन्नई की टीम तीन ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतर सकती है तो वहीं पर मुंबई के ऑलराउंडर की, तो की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं इसी के साथ दोस्तों मुंबई के गेंदबाजों की बात की जाए तो राहुल चेहर एडम मिल्ड ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं इसी के साथ चेन्नई के गेंदबाजों की बात की जाए तो